हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीटू ज्ञान। आज हम इस वीडियो में प्रिज्मा 3D के सभी ट्यूटोरियल के बारे में जानेंगे। यदि आपका फोन ओल्ड वर्जन तो इसे कैसे डाउनलोड करें, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्ले स्टोर को खोल लेते हैं। यहाँ पर आप प्रिज्मा थ्री डी ऐप को सर्च करें तथा यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपका फ़ोन ओल्ड वर्जन है तो आप चिंता ना करें, सिर्फ आपको गूगल खोलना है और गूगल में सर्च करना है प्रिज्मा 3D ओल्ड वर्जन। यहाँ पर ऊपर दिया है तो लोड हो रहा है, नेट स्लो। फिर यहाँ पर अप टू डाउन सेकंड नंबर पर अप टू डाउन होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देना है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई प्रकार के ओल्ड वर्जन आ गए हैं, जिस तरह आपका मोबाइल ओल्ड यहाँ प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जिस वर्जन का आपका फ़ोन है उसी वर्जन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आप प्रिज्मा 3D की ऐप को खोलते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद आप प्रिज्मा 3D ऐप को खोलें। तो आज हम प्रिज्मा 3D के सभी ट्यूटोरियल के बारे में जानेंगे। इसमें आप प्लस का आइकन दिखाया होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको तीन बटन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से यहाँ पर है, इसे क्लिक करने पर ये क्यूब को यहाँ पर क्यूब, स्क्वायर, सिलेंडर, यहाँ पर क्यूब दे सकते हैं, क्यूब है ठीक। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेन है, इसे आप सरफेस बोल सकते हैं। यहाँ पर पिरामिड एक है और यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख के दिखा रहा हूँ अपने चैनल का नाम वीटू ज्ञान, जैसे कि आप देख सकते हैं वीटू ज्ञान ठीक। यहाँ पर मेरे चैनल का नाम आ चुका है वीटू ज्ञान, आप देख सकते हैं। इसे हम कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से मटेरियल में जाकर हम कलर पर टिक क्लिक करेंगे और कोई भी कलर हमें अच्छा लगे उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रीन, कुछ भी कलर आपको अच्छा लगे। या तो इस कलर को आपको थोड़ा सा हल्का दिखाना है इस तरह कर सकते हैं, या तो इसे थोड़ी ट्रांसपेरेंट बनाना है, ग्लास की तरह बनाना है तो इस तरह कर सकते हैं, जो उस पार भी आपको इस तरह दिखाई देगा ठीक। तो इन बटन को यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे डिलीट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे डिलीट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे डिलीट कर सकते हैं। तो हम पहले एक क्यूब लेते हैं और इस बटन समझते हैं। इस बटन काम है कि ये ग्रीन वाला ऊपर की ओर जाएगा और ये रेड वाला इस बाएं तरफ और ये रेड वाला आगे पीछे जाएगा ठीक। ये बाएं दाएं, ये ऊपर नीचे और ये ब्लू वाला आगे पीछे ठीक। और ये जो है ये सर्कल आपको क्या घूमाने काम करता है ठीक। इधर करेंगे आप इधर इधर घूमेगा, इधर कर इधर करेंगे घूमेगा, रेड वाला करेंगे आगे पीछे घूमेगा, इधर करेंगे ये बाएं दाएं घूमेगा ठीक। और ये क्या है, इसका काम है बढ़ाना। जिससे देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, इस रेट करेंगे तो ऊपर नीचे बढ़ेगा, इसे दाएं बाएं बढ़ेगा, इसे ये इधर बढ़ेगा, मोटा साइज होगा। जैसे कि इधर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन घुमा रहा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए ये मोटा होता जाएगा ठीक। आप बटन के बारे जान चुके हैं ठीक। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर दे रहा है, यहाँ पर इसका साइज़ के बारे में पता चलता है, इसकी पोजिशन कितनी है, ये कितनी इसकी स्केल है, कि रोटेशन कितना ये मुड़ा हुआ है, इस सभी बारे में बात करें ठीक। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं क्यूब है, यहाँ पर क्यूब क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा, ये चेयर वाला है ठीक। ये चेयर का काम होता है सिर्फ, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे ठीक, और यहाँ पर करेंगे और ऐसे खींचे लेंगे। सॉरी बटन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ से कटिंग वाला हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर ऐसे क्लिक करें, क्लिक करने बाद यहाँ पर ये टिपने बाद ऐसे कर लें। फिर यहाँ पर देखिए, इससे ये होता है कि यहाँ से निकल जाता है ठीक। और ये कटिंग वाला है, ऐसे करें फिर यहाँ पर जहाँ भी आपको काटना है ठीक, इससे यहाँ पर आपको काटना है क्योंकि इसे क्लिक करें, आपको जिधर भी काटना है यहाँ पर ऐसे करें, ऐसे निशान बना दे, ऐसे ऐसे फिर कर दें, यहाँ पर कट जाएगा ठीक। फिर यहाँ पर ऐसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर करते क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर एक ऐसे क्लिक करते हैं और इसे एक चेयर की तरह
तरह बना सकते हैं। पहले से हम पूरा डिलीट कर लेते हैं, आपको शुरुआत से समझाते हैं। फिर पहले हम एक क्यूब लेंगे, ठीक, नहीं क्यूब नहीं, क्यूब नहीं, आप एक हम आज बनाते हैं, बना लेते हैं कि एक आदमी बना लेते हैं, ठीक, यहाँ पर, ठीक। अब इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ऊपर लेते हैं, इस आइकन से इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक। इसे हल्का हल्का पतला करने पर जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी की तरह दिखाई दे, और थोड़ी सी ऊपर ले लेते हैं बस। और एक हम क्यूब का इस्तेमाल, स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर थोड़ा ऊपर लेते हैं, ऊपर, हाँ हल्का ऊपर लेते हैं, हल्का ऊपर, ठीक। अब इसे यहाँ से करके इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, कि एक स्तर की भांति दिखाई दे, और हल्का इसे नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ। अब ये सेट हो गया। हम फिर इसका एक पाँव, ये हम फिर भी एक एक सिलेंडर लेंगे जिसे हम हिंदी में बेलन कहते हैं, इसे हल्का छोड़ करेंगे, एक पाँव की भांति बनाएंगे। रेड वाला आइकन कहाँ दिख रहा है, इसे हल्का इसे करेंगे पतला, इसे ब्लू और अंदर करेंगे, इसे रेड और पतला करेंगे, इसे फिर नीचे देखते हैं बैठ गया कि नहीं, ऐसे अंदर पतला ऐसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसे एक साइड कर दें, एक हो गया, फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो आपको कॉपी का आएगा, कॉपी कर लेंगे, फिर ये दो बन जाएगा, फिर ऐसे करके यहाँ पर लगा दीजिए, सेट हो गया, ठीक। यहाँ पर हो गया, हमारे दो पाँव हो गए, आपको हैंड बनाना है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा तो भारी दिख रहा है, थोड़ी सी कम कर सकते हैं ये ऐसे, अब ठीक है, ठीक। फिर एक सिलेंडर चूज़ करेंगे हम, इसे रोटेशन कर लेंगे, ठीक, थोड़ा मोड़ लेंगे ये इस तरह। अब इसे इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, थोड़ा इसे पतला कर लेते हैं, इसे थोड़ा पतला और कर लें, और कर लें, और इसे हल्का छोटा कर लेते हैं, ठीक। अब ठीक है ना, अब हाथ की तरह दिख रहा है हल्का हल्का, ऐसे करते हैं। अब इसे रोटेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ये रोटेशन हो गया। अब इसे यहाँ पर लगा देते हैं, ये ग्रीन से इधर करें, हल्का इधर, इसे ऊपर ले जाते हैं, और इसे हल्का से रोटेट कर लेते हैं, ठीक, ये हल्का सा इधर इस साइड, हाँ लेफ्ट राइट इधर लेते हैं, यहाँ से ऊपर से देख लें क्या आ रहा है, फिर इधर आगे हल्का, आगे आगे हल्का, ये अब दिख रहा है एक, हाँ अब हो गया, ठीक, सेट हो गया। और इसे हल्का सा नीचे नीचे की ओर, और इसे हल्का दाब लेते हैं, या बस हो गया। अब इसे एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद एक इसी इधर ले जाते हैं, इधर इधर हल्का है, इसे हल्का रोटेट कर लेंगे, इधर ले जाएंगे, इसे थोड़ा इधर करेंगे, हला हल्का अंदर, ऐसे थोड़े नीचे, ओहो पूरे यार, तो इससे हल्का अंदर कर लेंगे, ठीक। ये हमारा एक हाथ तैयार हो गया, आप देख सकते हैं जैसे कि, ठीक। सोच लेंगे इसका चेहरा कैसे बनाए, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा हैंड तैयार हो गया है। तो आप इसे क्लिक, यहाँ पर क्लिक करें, नहीं कुछ नहीं करें, सीधे आप यहाँ पर लाएं, एक स्क्वायर चेक करें, और इसे साइज में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जाएं, और इसे जीरो जीरो कर दें, ठीक, जीरो, ओहो जीरो कर दें, इसे इसे भी जीरो कर दें, नहीं रहने दीजिए, एक ही रहने दीजिए, एक ही रहने दीजिए, पहले एक ही रहने दो, पहले इसे करो, इसे इसी साइड से हम छोटा कर दें, हम लोग का अभ्यास होता रहेगा, ठीक, हम लोग को पता चलेगा इससे क्या होता है। इस रेड वाले से ऐसे और छोटा और छोटा, एक आँख की भांति एक पतला सा बना लेंगे, एक पूरी तरह से हम लोग का ये तैयार हो जाएगा, और छोटा इसे, और ये आँख की तरह भांति बन गया जिसका दिख रहा है आपको। इसे ऊपर लाएंगे, चला इधर लाएंगे, और फिर नीचे ले जाएंगे ऐसे, फिर ये इधर हल्का लेंगे आँख की, ये फिर अंदर ले जाएंगे, ए ए ए इधर दिख रहा है एक, इधर
इधर का इसे एक करेंगे, एक डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक इधर कर देंगे, या इधर हो गया ना, हो गया, इतना हो गया। अब इसे कलर दे देते हैं, जाना थोड़ी यूनिक लगे, ब्लैक कलर। ठीक, कलर में जाएंगे, यहाँ पर ऐसे कलर चूज़ करेंगे, कुछ भी और करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में छोड़ो, रिफ्लेक्शन ही करते हैं, या थोड़ा आप यही ठीक लग रहा है हम लोग को। ठीक, ऐसे भी कर ब्लैक कर लेते हैं, इस आई को भी ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे कलर में जाएंगे, कलर में जाकर ये भी ब्लैक। ठीक, अब इसे थोड़ा सा रंग दे देते हैं इसके हेड को, इसको करें, यहाँ पर देखो जिस चीज़ को हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो उसका दे जाएगा। देखो यहाँ पर क्लिक करते हैं सिलेंडर हो गया, यहाँ पर क्लिक करके सिलेंडर हो गया। ठीक, यहाँ पर सर्क कर रहे हैं स्क्वायर का, स्क्वायर को कंट्रा करके कलर दे रहे हैं, कुछ कलर में क्या दे सकते हैं इसे, ये देते हैं, देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं। और थोड़ा सा कम करें रिफ्लेक्शन, जैसे कि यहाँ इतना करें, हाँ आप देखो थोड़ा सा, नहीं थोड़ा और कम, इतना, ये नहीं, ये थोड़ा सा, यही अच्छा लग रहा है। ठीक, यही ठीक लग रहा है हम लोग को, यही ये देखने। अब इसे थोड़ा सा इसे दे दें, थोड़ी ये थोड़ी से रेड कर लेते हैं इसे बॉडी। ठीक, पूरा रेड कर लेते हैं, ये रेड ठीक ही लग रहा है, इधर ये भी रेड कर लेते हैं, ये पूरा रेड कर लेते हैं। ठीक, रेड रेड यहाँ पर रेड ठीक रहेगा, यहाँ पर ये भी रेड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, और इसे येल्लो कर लेते हैं। ठीक, येल्लो ठीक लगेगा। ठीक, येल्लो कर लेते हैं, यहाँ पर येल्लो हो जाएगा, ये भी ऐसे कलर करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे येल्लो हो जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं कैसे लग रहा है। ठीक, इसे आपको मुँह बनाना है इसका, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसे सिलेंडर क्या लेंगे आप, ले लीजिए एक सिलेंडर ही ले लीजिए, कोई बात नहीं, सिलेंडर ले लीजिए, फिर इसे छोटा करिए और छोटा करिए, और हल्का सा छोटा और छोटा करिए, ये हम माउथ बना रहे हैं इसका। ठीक, रुकिए थोड़ा सा, और छोटा और छोटा, ये हल्का लीजिए और इधर लीजिए। ठीक है, अच्छा उठा, हल्का उठाइए इसे, ये मुंह पर लाइए इसके, और हल्का अंदर कर लेते हैं, ये हल्का, ये हो गया इसका एक माउथ हो गया। ठीक, ये मुंह हो गया, आपको सिर्फ क्या करना है, अब इसे सभी को अटैच करना है। ठीक, अटैच करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएंगे। ठीक, ये अटैच होते जाएगा, देखो एक ऊपर एक रखते जाएंगे, अभी इसको अटैच हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर, फिर ये ऊपर, या यहाँ पर एक में सभी को अटैच करना है, जिसकी वजह से हमारा एक बॉडी पूरा एक बॉडी बन जाए, कि नहीं सभी पार्ट अलग अलग ना हो। ठीक, एक बॉडी, देखो अब देखते हैं, अब इसे क्लिक करेंगे ना, देखो ये पूरा बॉडी एक साथ ही लेगा, इसे आगे पीछे ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, पूरा बॉडी एक साथ ही लेगा। ठीक, यहाँ पर देखो आगे लेंगे पीछे लेंगे, पूरा बॉडी एक साथ ही लेगा। अब इसे हम लोग क्या डालेंगे, इसमें आप बोन डालेंगे, बोन में हड्डी डालेंगे। ठीक, बोन कैसे डालेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसे, सॉरी इसे थोड़े ऊपर जाते हैं, इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे जहाँ आपको बोन लगाना है वहाँ पर क्लिक करते जाइए, वो बनता जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरह क्लिक करेंगे, फिर इस तरह क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पर क्लिक करिए, जहाँ जहाँ आपको बोन लगाना है वहाँ पर आप क्लिक करिएगा। ठीक, यहाँ पर फिर यहाँ पर ले जाइए, फिर यहाँ पर ले जाइए। ठीक, यहाँ पर बन गया आपका, आपको गर्दन हिलाना थोड़ा इसे कर ले, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, है हल्का सा, सॉरी ये तो पूरा हो जा रहा है, इतना ही लीजिए। ठीक, ऐसे कर दीजिए, यस अब बोन जोड़ लीजिए। ठीक, देखो कहीं निकल नहीं रहा है, अब देखते हैं, अब कहीं नहीं है, अब से थोड़ी मुँह ऊपर कर देखते हैं। ठीक, जैसे अब हम इसे यहाँ पर टच करते हैं और इसे करते हैं, सॉरी हाँ ये बोन सही जुड़ा नहीं। ठीक, इसे फिर एक बार यहाँ से एवरी बोन्स जो है ड्रिल कर देते हैं। ठीक, बोन्स जो है देखो क्लिक होगा, सॉरी ये से छोड़ो, बोन्स वाला ही, हाँ इसे बोन्स को ड्रिल कर लेते हैं। ठीक, थोड़ी ये बोन्स सही नहीं बैठा है, अब ये जो सही नहीं बैठता बोन क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक, और ऐसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे प्रकार का, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक। ठीक, अब ये सही हो जाएगा, अब यहाँ पर जब बोन लगाएंगे तो ये बॉडी पर ही बोन लगेगा। ठीक, ये बॉडी पर ही लगेगा, अब इसे बाहर नहीं जाएगा इसके टेक्सचर, यहाँ पर इसे हल्का सही कर लेते हैं, ये हल्का, बस यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर जूमिंग भी कर सकते हैं आप, जूम भी कर क्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएगा। ठीक, हो गया, देखो अब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, हो जाए, यस कर देंगे। ठीक, अब सभी बॉन्ड को जोड़ लेते हैं, ऐसे भी करके बॉन्ड से जोड़ लेंगे, नहीं हिलेगा नहीं। ठीक, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं, ओहो सॉरी यार गलत जुड़ गया, फिर एक बार ट्राई करते हैं,
वो यहाँ से कर लेते हैं उंडो, ठीक है। यहाँ पर करेंगे फिर जहाँ जाता फिर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ऐसे आप रोटेट करेंगे, यहीं से करिए। ये भी लगता है बैठा नहीं है, सिलेंडर है ये बोन यहाँ पर, ठीक है। सिलेंडर ये बोन यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, ओ ये सिलेंडर कहाँ है, देखिए यहाँ पर सिलेंडर, ठीक है। ये बोन, और ये बोन कहाँ है, देखिए ये बोन किधर है, यहाँ बोन है, ये सिलेंडर, ठीक। इसे इसमें जोड़ दो। अब देखो ये पूरे हाथ लेकर हिलेगा कि नहीं, एक मिनट इस बोन पर ड्रिल कर कर लेते हैं, ठीक। पूरा बोन ड्रिल कर लेते हैं, ये बोन सही नहीं लग पा रहा। फिर यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक। इससे करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ अब बोन लगाएंगे। इससे करने के बाद ऐसे कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, ठीक। अब बोर्ड ऐड करें, शायद लग जाना चाहिए कि बोर्ड ये। अब कि बस सिर्फ हाथ को लीजिए ना, हाथ सिर्फ हाथ इधर लीजिए, इधर एक, इधर। ओहो सॉरी यार, यहाँ पर फिर मिस्टेक हो गया। कुछ नहीं कुछ नहीं, लग जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर करिए, फिर यहाँ पर करिए, फिर यहाँ पर करिए, ठीक हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर एक सेट कर लीजिए, ओके बट इतनी करिए, ठीक। अब इतनी रहने दीजिए, थोड़ी डाउट हो मतलब क्या हो रहा, सही नहीं हो पा रहा, ठीक। यार इसमें अटैच हो गया, हिल ही नहीं रहा ये, अभी नहीं लगाना चाहिए था क्या। रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रही भाई मूवी। ओ यार सॉरी यार, यहाँ पर देखो ये बाहर की ओर हो जा रहा है ना भाई, ये बाहर की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा भाई। रुको एक मिनट, अब ये बाहर की तरफ था ना, इसीलिए। यहाँ पर पूरी बॉडी आ गई, अब बॉडी में पूरा सेट करेंगे तभी होगा। ठीक पूरे बॉडी में सेट करेंगे यार, तभी गलती हो रही थी यार, तभी मैं कहूँ कहाँ हो रहा है इसे कि कुछ डिलीट मत करिएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करिए, ऐसे दिखा रहा है ये, ठीक। फिर यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको बोर्ड लगाना है वहाँ पर क्लिक करते जाइएगा। फिर आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर करिए, फिर यह कुछ नहीं, फिर यहाँ पर आर क्लिक कर दीजिए, बस कुछ डिलीट मत करिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट होगा, देखिए तो इस तरह से हमें करेक्टर तैयार हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम एक नया घर बनाते हैं, ठीक। इसे आपको यहाँ पर सेव करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया होगा, इसे सेव कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर सेव हो जाएगा, फिर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक। होम पर जाएंगे, फिर एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट हम एक क्या घर बनाते हैं, ठीक। घर को पहले घर में क्या आना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, एक ऐसा एक बड़ा सा घर बनाइए, एक ऐसे करिए, ठीक। और कुछ नहीं, आपको ये पिरामिड रख लीजिए, पिरामिड यहाँ पर, पिरामिड हल्का वो पिरामिड क्लिक करते हैं, पिरामिड हल्का यहाँ पर ले लेते हैं, एक मान लीजिए एक टेम्पल की तरह, ठीक। एक मंदिर बना रहे हैं, वही समझ लो मंदिर, ठीक। यहाँ पर इसे सेटअप कर लीजिए हल्का सा, और थोड़ा सा बाहर बाहर की ओर हल्का हल्का, वे है हल्का हल्का, बस एक बन रहा है, ठीक। आपको लग रहा है दरवाज़ा, ठीक। हमें दरवाज़ा लगाने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर करें, फिर यहाँ पर हल्का से यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर करें, और यहाँ पर एक एक ऐसे एक यहाँ पर ले जाइए, यहाँ पर ले जाइए, एक आप क्लिक कर दीजिए कट गया, ठीक। फिर आपको ले जाना है, इसी क्लिक करना है, फिर एक यहाँ पर क्लिक करें, ऐसे क्लिक करें, फिर यहाँ पर, फिर एक यहाँ ऐसे क्लिक करिए ऐसे, फिर एक कट गया, ठीक। फिर एक यहाँ पर आपको लेना है, इसे क्लिक करिए ऐसे, फिर ऐसे क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए ऐसे क्लिक करें, ऐसे ले जाइए इसे, फिर एक यहाँ पर करें, ठीक। यहाँ क्लिक, अब इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ पर ले जाइए और इसे ले जाइए, ठीक। यहाँ पर देखिए आप ये, सॉरी यार कटा नहीं, रुको रुको एक बार,
इससे काटना ऐसे ऐसे काटेंगे, ठीक है। हौली जाइए हौली जाइए, इसे आगे ऐसे, ठीक है, कट गया। ऐसे ले जाएंगे इधर, कट गया। ऐसे ले नीचे ले जाएंगे, नीचे की तरफ, इसे हल्का ऊपर ले जाते हैं थोड़ा। ओ सॉरी, इसे मैच करा देते हैं और इसे टोटल ऊपर ले जाते हैं, ठीक। टोटल इससे कल यहाँ पर काट लेते हैं यार इसे। ये यार यहाँ कट गया, नहीं यार ऐसे बार बार इधर ही लग रहा है। एक ऐसे इसे थोड़ा रोटेट करना होगा यार मुझे अपना स्क्रीन टिक। हाँ अभी जल्दी 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 बस कट गया, ठीक। अब कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करना है इसे और यहाँ पर ले जाना है, नहीं यहाँ पर करना है, ठीक। और यहाँ पर करना है ऐसे कर, क्लिक करो तो हम इससे एक नए घर बनाते हैं। नए घर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्यूब लेंगे, क्यूब ऐसे ले लेते हैं और इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस साइड का, ठीक। इधर लेते हैं कुछ बड़ा करना है, इतनी साइज ठीक है। और एक हम पिरामिड लेना है वो पड़ेगा, पिरामिड को थोड़ा ऊपर करें। एक एक मान लीजिए एक टेम्पल की तरह बना रहे हैं टेम्पल, ठीक। यहाँ पर सेट बैठ गया है, हल्का एक ऊपर ले लीजिए, ठीक। ये इतना सा ऊपर लीजिए, ठीक। एक ठीक हो गया इतना, यहाँ पर दिख रहा है आपको एक टेंपल की तरह, यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। आपको एक दरवाज़ा चाहिए, ठीक है। इसे दरवाज़ा करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ ओ इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको, फिर एक इसके बाद ये कि यहाँ पर कट करेंगे, फिर यहाँ पर कट हो गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे। ओ सॉरी यार, फिर इसे फिर ये इधर ले जाएंगे और ले जाएंगे, आप कट कर देंगे, ठीक। अब कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डोर दिख रहा है आपको क्रॉस का निशान, इस पर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, इस पर करेंगे क्लिक कर दिखा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक दरवाज़ा की तरह बन गया, ठीक। देख सकते हैं नहीं, यहाँ पर एक दरवाज़ा की तरह बन गया, ठीक। यहाँ पर एक दरवाज़ा है जिससे कि हाँ यहाँ पर दरवाजे अंदर जाने का रास्ता हो गया। थोड़ी से कलर कर लेते हैं, हल्का सा कलर करेंगे, थोड़ी दिखने में थोड़ा सा हम लोग को अच्छा दिखाई देगा। कलर कर लेते हैं टेम्पल से होता है इससे होगा, हाँ हल्का सा थोड़ा सा कलर को हम, अरे क्या रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इतना कर लेते हैं ना, इतना बेहतरीन तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसे कर लीजिए, अब इसे टॉप का हम लोग करते हैं, टॉप वाले लेते हैं, इसी पर लेते हैं। तो या तो ये देखो येलो कुछ कुछ जम रहा होगा, नहीं नहीं ये ग्रीन नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं ग्रीन, हाँ ये ठीक है। अब देखो क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, अब कुछ नहीं करें, ऐसे देख सकते हैं एक मंदी भाती है। और हमें एक बाई चांस पर बनाना होगा एक क्या झंडा बनाते हैं, जो झंडा इसमें क्या एक सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर टॉप पर करते हैं, ठीक। टॉप पर करेंगे ऐसे, टॉप पर कर लेते हैं और इसे सिलेंडर को एक ना छोटा सा कर लेते हैं, ठीक। हमें एक तिरंगा चाहिए, चाहिए एक डंडी चाहिए, मान लीजिए एक स्टिक, ठीक। स्टिक चना ये हो गया, ये और छोटा और पतला और पतला, हल्का और पतला, इतना पतला होगा ऐसे। अब हल्का सा ये छोटा करते जाएगा, ये इतना, ठीक। थोड़ा तिरंगा बड़ा रहेगा भाई, ठीक। हल्का एक हल्का इसमें अटैच कर देंगे, होगा अटैच नहीं होगा। अब इसे क्या करेंगे आप, आपको एक लाना होगा, एक प्लेन लेंगे, ठीक। एक प्लेन लेंगे, इसे ऊपर करेंगे। अब करें प्लेन क्यों लेंगे, इसमें पेन ज़रूरत होगी नहीं, बता रहा हूँ भाई, ठीक कैसे, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे लेंगे और कम करेंगे, इसे कम करेंगे एक के, हमें एक सरफेस देना होगा, ठीक। अब यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक। और इस पर क्लिक करेंगे एक, अब इसे देख इधर काटेंगे, एक एक सीधे कट गया इसे, ऐसे कट गया। फिर एक इधर इस साइड कट, एक इधर काट देते हैं, इसे काट देते हैं, इस हल्का राउंड कर लेते हैं, फिर इधर ले जाएंगे। हाँ सही बन नहीं पाए, रुपये कटते यहाँ, इसे ले जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर इधर, ठीक।
इसे यहाँ अभी क्लिक करेंगे यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, इसे टिक क्लिक करते हैं यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। आपको कुछ अब महसूस हो रहा है मैंने क्या बनाया? ठीक, ये ऊपर का तिरंगा होता है ये क्या बनाया मैंने, इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डिलीट और इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डिलीट। एक बात ही दिख रहा है, इससे हम अब केसरिया रंग से रंग लेते हैं, जिससे यहाँ पर भगवा, ये भगवा दिखाई दे, ठीक भगवाधारी हो गए। अब क्या करना है, इससे हम हल्का सा इसे रे रोटेट कर देते हैं। सॉरी यार इधर कुछ भी छूट गया है, तो कुछ नहीं करना, इसे क्लिक करना है, ऐसे डिलीट करना है, क्लिक करना है, ऐसे डिलीट करना है, ठीक। और इससे हल्का थोड़ा सीधा छूट गया, ठीक, क्लिक डिलीट करें, हो गया इतना। इस साइड कुछ नहीं करना, इससे हाँ इस पर क्लिक करें हल्का सा, ये हो गया, इधर ले जाएंगे, हल्का इधर ले जाएंगे, और सॉरी इसे हल्का छोटा कर लेते हैं ना, हल्का साइज है ये, हल्का हल्का छोटा, ठीक। अब इसे इधर मोड़ देंगे, इस फ़ोन में इसे तो सही से होता नहीं, लैपटॉप हो इसमें तो आपको फ़ोन ही बताना पड़ेगा कि मोबाइल वाली चीज़ ही है। इससे हल्का नीचे कर लो, ठीक, हाँ थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत हो रही है इधर, एक हल्का सा इसे करते हैं, ठीक, हो गया ना, आप देखो परफेक्ट बैठ रहा है बस। अच्छा से सॉरी यार थोड़ी सा और आगे इधर इसके हल्का अंदर कर लेते हैं, और इधर ये हल्का सा इसके अंदर इधर भी देख लेते हैं चारों तरफ भाई, नहीं तो कहीं कमी ना हो, ठीक। अब इधर देखें, एक इधर देखें एक, और सॉरी यार मैंने उल्टा लगा दिया, कोई बात नहीं यार, इधर देखिए आप एक बेहतरीन बन गया, ठीक। और आपको कुछ भी यदि आपको कुछ और ट्यूटोरियल जोड़ना है, जैसे कि आपको एक यहाँ पर एक घेरा लगाना है, तो आप क्लिक कुछ किस यहाँ पर जाएंगे, ठीक, यहाँ पर मोर दिख रहा होगा, मोर क्लिक करेंगे, मोर पर यहाँ पर जो लोडिंग होगा, तो यहाँ पर अभी रुकिए नेट मतलब स्लो चल रहा है, यहाँ पर नेट चालू है कि यहाँ, ओ सॉरी भाई ये चल रहा है, मैं फ्लाइट मोड को मार कर देखता हूँ, फ्लाइट मोड मांग का एयर मोड, तब मेरा नेट फास्ट चलेगा। तो यहाँ पर करेंगे फिर मोर क्लिक करेंगे, थोड़ा नेट आने आ चुके, ठीक आ गया नेट, यहाँ पर आप थोड़ा वेट करेंगे कुछ देर तक। अभी कुछ मॉडल्स आएंगे, जैसे मॉडल्स की तरह या कुछ करेक्टर हो गए उसी तरह के मॉडल था ये मॉडल, ठीक। यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है, रुकिए थोड़ा सा बस वेट करिए, ज़्यादा नहीं आ जाएगा, नहीं तो हम ही खुद ही बना लेते हैं यार, क्या झंझट करेंगे, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, एक आपको बाउंड्री बनाना है, ठीक। आप एक ले लीजिए क्यूब ही ले लीजिए, ठीक, क्या करेंगे एक क्यूब ले लीजिए इसे, और इसे क्या करेंगे हल्का छोटा करेंगे, ठीक। इससे टाइप बना रहा हूँ, एक हल्का क्यूब ले लीजिए, इतना बड़ा ठीक रहेगा ना, उससे थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए, हल्का सुपर ले लेते हैं इसे, और हल्का छोट कर लेते हैं, ठीक, और हल्का से इसे पतला भी कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा थोड़ा कर, ठीक, इधर साइड से उधर, इधर साइड से थोड़ा सा एक लंबा कर देते हैं, ठीक, थोड़ी इसे ऊपर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब कुछ नहीं, इसे कॉपी करते जाते हैं, कॉपी करेंगे फिर इधर सेट करेंगे, कॉपी करेंगे, हाँ फिर कॉपी करेंगे, हाँ लाने गनों में, फिर इसे कॉपी कर लेंगे, इधर ले जाएंगे, सॉरी भी कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लिक करेंगे इस पर एक बार, फिर डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कॉपी इंसान कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, इसी तरह हम कॉपी करते जाएंगे, और इसे कॉपी करेंगे, फिर एक ऐसे आगे ले जाएंगे इसे हल्का, ठीक, यहाँ पर इतना, फिर इधर ले लेते हैं हल्का, ये मैं पूरा बता रहा हूँ किस तरह बनेगा, आपको भी अच्छा दिख रहेगा लेकिन बाद में आपको ये बेहतरीन दिखेगा, ठीक। कॉपी करेंगे आगे ले जाएंगे, कॉपी करेंगे आगे ले जाएंगे, कॉपी करेंगे आगे ले जाएंगे, ठीक, इतना हो गया। आप थोड़े से बीच का थोड़ा सा इधर ये से ले जाएंगे, इसे इधर आगे लेते हैं, थोड़ा सा ये इधर कर लेते हैं, थोड़ी आने जाने का रास्ता, ठीक, यहाँ पर एक इसे कॉपी कर लेते हैं हल्का, और एक यहाँ पर लग देते हैं, ठीक, आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने दिखने लगा होगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा एक बीच में और दिखने लगना चाहिए, ठीक, ठीक नहीं बीच में एक और आना चाहिए, यहाँ पर करेंगे कॉपी करेंगे, और इसे एक बीच में एक यहाँ पर लगा देंगे, ठीक, और यहाँ पर भी एक वैसे ही दिख रहा है, एक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, एक और क्लिक करेंगे, फिर एक कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर हम बीच में एक लगा देंगे, ठीक। अब इस तरह आपको दिख रहा है, आपको इतना चीज़ दिख रहा है। अब क्या कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक, और ये सिलेंडर ले लीजिए, एक सिलेंडर लीजिए, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ सिलेंडर उठा लीजिए, और यहाँ से करिए भाई, आप सोच रहे हैं इसका क्या जरूरत, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक
इसे और पतला करेंगे, इधर पतला करेंगे, इधर पतला करेंगे और थोड़ी इधर पतला करेंगे, ठीक। इधर थोड़ा लंबा कर लेंगे इसे, और इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे और ये इस साइड से ले जाएंगे। आपको कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, इधर हल्का इधर कर लेंगे, नहीं कुछ नहीं करना है, और इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, हल्का रोटेट, हल्का रोटेट और रोटेट, रोटेट हल्का रोटेट और रोटेट। अब आपको कुछ बेहतरीन सा दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना, इसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ये सेट कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही अब इसे हल्का सा इधर इसे छोटा करना पड़ेगा थोड़ी सी, यहाँ देखो आपको आउटसाइड कुछ दिख रहा है, ठीक। हल्का सा ये देखिए यहाँ से बाहर हो गया ना, हाय हाय, इतना ले जाएंगे, इतना ले जाकर इसे थोड़ा सा करेंगे, इसे ऐसे में कर देंगे, ठीक। आपको दिखाई दे रहा नहीं, अब इसे फिर यहाँ पर करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद फिर नीचे एक थोड़ा सा ले जाते हैं, ठीक। फिर इसे कॉपी यहाँ पर ले, इसे ऊपर ले जाएंगे, एक क्लिक, सॉरी क्लिक नहीं हो रहा, ओह एक बार क्लिक, फिर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक यहाँ पर एक ऐसे ले जाएंगे, ठीक, एक इधर हो गया। फिर इसे क्लिक कॉपी करेंगे, फिर इसे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इधर इधर सेट कर लेंगे, फिर एक कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर ले जाएंगे, थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा जगह होगा, फिर थोड़े से बड़ा कर लेते हैं हल्का थोड़ा सा, हाँ बस इतना हो जाएगा, ठीक। इसे थोड़ा लेकर, हाँ सॉरी सॉरी, इस वो पूरा क्लिक हो गया यार, ये बस हो गया ना। फिर इसे क्लिक करेंगे, एक दो, फिर कॉपी करेंगे, फिर ये ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर सेटअप, ठीक। इतना दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है आपको, फिर आप सिलेंडर लेना है, एसी को ले लीजिए यार, एक फिर क्लिक करिए, कॉपी करिए, फिर आपको इसे रोटेट कर लीजिए, इसे यहाँ पर ले जाइए, इसे रोटेट कर लीजिएगा, आपको रोटेट नहीं करना होगा, फिर वैसे बना लीजिए, आपको दिक्कत हो गई होगी रोटेट करने में, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर करना है, फिर ऐसे करना है, फिर यहाँ पर ले जाना है, फिर इधर पर कैसे टच करवाना है, ये थोड़ी आपको देखो साइज में बड़ा दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर करें, ऐसे हल्का छोटा करना ही नहीं आपको, फिर इधर ले जाएंगे, इस पर टच करा देंगे, ठीक। और थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है ना, बस इसे करेंगे, हो गया कि नहीं, हो गया, थोड़ी इसके अंदर थोड़ी ले जाते हल्का सा, थोड़ा सा ये थोड़ा मूवमेंट होकर देखिए, क्लिक नहीं हो रहा भाई, हल्का सा आपको दिख रहा होगा, हल्का सा थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे, कुछ नहीं करेंगे इसमें, ये आप कर देंगे, अब आपको ठीक दिखाई दे होगा, थोड़ी सी हम इसे आगे ले जा रहे हैं, हल्का सा आगे कर लेते हैं, हल्का ये बाहर का चीज़ दिखाई, इधर नहीं दिखाई दे रहा ना, इधर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। अब ऐसे कुछ करेंगे, इसे भी आप वही करिए काम, इसे डबल क्लिक करिए, कॉपी करिए, इसे नीचे भी सेट कर दीजिए भाई, इसी साइड सेट करिएगा, ये इसी साइड बस हो गया ना, फिर इसे करिएगा, सॉरी कहाँ क्लिक हुआ, इसे करिए, फिर इसे क्लिक करिए, सॉरी यार, कॉपी कर लीजिए, ठीक, कॉपी में ग्रुप बन जा रहा है, वहाँ पर देख रहे होंगे, तो ग्रुप क्लिक हो जाएगा, फिर इसे करिए, फिर एक सॉरी, फिर एक ऐसे, फिर एक क्लिक, कॉपी करिए, फिर एक क्लिक कर कर यहाँ पर एक थोड़ा सा इधर ले जाइए, आपको एक बेहतरीन एक सॉरी थोड़ी सा इससे हल्का सा रोटेट करके इधर ऊपर ले जा रहे हैं, हल्का सा, फिर ओ सॉरी यार, थोड़ा सा दब गया क्या यार, हाँ लग तो रहा है, इसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ओ सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, इस हल्का एक सही करें, होगा सही ना, ये थोड़ा सा इधर दिखाई दे रहा है, और इसे इधर ले जाएंगे हम, और ये भी देखो, अच्छा यार अभी समझ में, प्रो ये थोड़ा सा ऊपर ले, इससे थोड़ा सा ना रोटेशन में हल्का सा गड़बड़ी होगा, ठीक है, इधर ले जाएंगे, हल्का सीधे से भी ऐसे ले जाएंगे, हो जाएगा, ठीक। ऐसे हल्का ऊपर ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना गड़बड़ी चलेगा ही, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, छोड़ो, हो गया ना, इसे छोड़ो, हो गया, और दूसरा तो इस तरह आपका बन चुका है, ठीक। इस तरफ का आपका पूरा ही पूरा एक ग्राउंड की तरह बन चुका है, इसी तरह आप एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरह आपका सोच होगा, थॉट्स होगा, उसी तरह भी बेहतरीन सा आप बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख चुके हैं आपको, फिर यहाँ पर आप मॉडलिंग करना हो या गो थो, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको बल्ब दिखाई देगा, यहाँ पर एक लाइट है, ठीक, यहाँ लाइट क्लिक करेंगे, एक देखो लाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इसे ले जाएंगे, ये ऊपर है, आप सोच रहे हैं इसका इस पर इसमें काम इसे शैडो देना, ठीक है, लाइट है यहाँ पर, अभी देखो कलर में क्लिक करता हूँ, यदि कलर में यहाँ पर क्लिक करता हूँ हल्का सा ब्लैक, ठीक, यहाँ पर देखो ब्लैक का निशान आ गया, अभी देखो येलो करूँगा, देखो येलो कलर चटकार हो गया, अभी ब्लैक करूँगा, हल्का सा ब्लैक चटकार होगा, हो गया कि नहीं। अब कोई रेंज, इसका रेंज बहुत बड़ा कर दिया गया, हल्का सा हम छोटा करते हैं रेंज इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे, इसका शैडो थोड़ी शैडो बन रहा है, शैडो थोड़ी से बढ़ाएं, इसका थोड़ी शैडो लाएं, इसमें थोड़ी सी इधर क्लिक करें, इधर इधर
इधर देखिए शैडो बन रहा है कि नहीं, नहीं शैडो नहीं बन नहीं रहा, थोड़ी रेंज इसे बढ़ाना होगा या तो शैडो, रुकिए शैडो में बहुत ज़्यादा कर देता हूँ ठीक है। यहाँ पर थोड़ी कुछ दिख नहीं, नीचे होता तो शैडो दिखाई देता इससे होता है। फिर यहाँ पर एक जाएंगे, यहाँ पर कैमरा दिखाई देगा, यहाँ पर कैमरा मतलब आप इसमें देखो, इसे कैमरा पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जंपिंग करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर दिखाई देगा। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इसे इस तरह ठीक। आपको इसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मोडिंग दिखा है, यहाँ पर एनिमेशन क्लिक करेंगे, एनिमेशन के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार यहाँ पर, और इसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे ठीक। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर कैमरे को ऐसे हल्का सा जैसे भी मुड़ाना है, फिर यहाँ पर आप बीच में कहीं भी ले जाना है, सेकेंड होता है उसी के हिसाब से आपको क्लिक करना है, फिर ऐसे हल्का हिलाना है, फिर यहाँ पर ले जाना है, फिर ऐसे हल्का हिलाना है, फिर क्लिक कर देना है, फिर ऐसे हल्का ले जाना है, फिर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, फिर ऐसे लाना है यहाँ पर, फिर क्लिक कर देना है, फिर आपको ऐसे करना है, इसे करना करना है, फिर क्लिक कर देना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर क्लिक। अब देखिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, अब देखिए कैसे ये एनिमेशन बन चुका है हमारा। देखिए यहाँ पर थोड़ी जल्दी हो गया क्योंकि मैंने कम रेंज में किया है ना, इसीलिए यहाँ पर देखो मुझसे जल्दी हो रहा है ठीक। यहाँ पर आपको ये बढ़ाना है तो इसमें कुछ नहीं करिए, जिसे एक बार क्लिक करिए यहाँ पर जो है इसे, इसे क्लिक करिए यहाँ पर जो एक है डिलीट कर दिए ठीक है। हम आपको बीच का डिलीट, आपको कितना स्लो हो जाएगा आप देखते हैं, देखो आप देखो कितना स्लो हल्का हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ी बड़ा करना है आपको, थोड़ी अब इधर देखिए थोड़ी और, मैं थोड़ी और लंबा ले जा रहा हूँ ठीक। यहाँ पर है इसे ले जाऊँगा 40 पर ठीक, 40 पर ले जा रहा हूँ, इसे बंद करना पड़ेगा, 40 ले जा रहा हूँ 40, और इसे हल्का घुमाना है फिर से ठीक, फिर ऐसे ले जाना है, फिर 50 60 पर ले जाना है, फिर हल्का ये ऐसे ले जाना है ठीक। इधर 80 पर लाता हूँ, फिर इसे करता हूँ 80 पर गया, इधर ले जाता हूँ। अभी देखो हल्का थोड़ा सा धीरे हो जाएगा ठीक, और देखो अब हल्का सा मोशन धीमे हो गया कि नहीं। इस तरह हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक। यहाँ पर आपको देखो पर्सनल आप दिखाई दे रहा है, 3D फूड यहाँ पर फील्ड दिखाई दे रहा है, आप कितना कैवरेज मतलब कितना कैपेसिटी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दूर करेंगे ज़्यादा दूर से लेगा, और जितना नज़दीक करेंगे उतना नज़दीक से लेते हैं। यहाँ से आपको ही जूम आउट करके आप करना है, फिर आप फिर यहाँ पर बंद कर देंगे यहाँ पर मॉडलिंग। आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर कोई 3D इम्पोर्ट नहीं करेंगे, रेंडर करेंगे ठीक। रेंडर करेंगे यहाँ पर रिमूव वाटर करेंगे, रिमूव वाटर हो जाए फिर रेंडर, यहाँ पर आपको कितने से 1080p पर करेंगे, फिर इसे फॉर्म ये सब रहने दीजिएगा, फिर रेंडर कर दीजिएगा, फिर आपके यहाँ पर नीचे का इमेज जो दिखाई देगा कितना होगा कैसे होगा, फिर डाउनलोड के बाद सीधे आपकी गैलरी में आ जाएगा ठीक। यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेंगे, यहाँ पर आपको सेम गैलरी में सेव हो जाएगा ठीक। आप सभी को मैं आप होप में आप सभी का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या तो मैं कुछ और ही बेहतरीन सा कुछ और मॉडल बनाकर भी आपको दिखा सकता हूँ। तो और इसके बाद हम कोई भी करेक्टर को लाना है, यदि आप करेक्टर तो बना नहीं सकते हैं इसे यहाँ पर ठीक। आपको यदि करेक्टर कोई बना नहीं होता तो आपको सीधे यहाँ पर इसे कैंसिल करिए, यहाँ पर इसे डोंट सेव ठीक। आपको मैं 3-4 वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप 3D करेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। 3D करेक्टर जैसे कि आपको यहाँ पर आप सर्च करेंगे क्या, स्केच करेंगे यहाँ पर आ जाएगा इसके 3D, सॉरी यार यहाँ पर स्केच कुछ दूसरा कुछ आ गया, यहाँ पर यहाँ आप स्केच थोड़ी कर रहा, हाँ इसके 3D यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके 3D, आप खुलने दौड़िए थोड़ी मिनट स्लो चल रहा है, मैं कितनी बार कर रहा हूँ, स्लो चल रहा है नेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक। यहाँ पर थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है, बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी खुल जा रहा है, ओपन हो रहा है ठीक, ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा नेट आप नेट मेरा बेहतरीन चल रहा है। यहाँ पर देवी वाल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई दिख दे, सॉरी आपको कई देखिए कई चीज़ दिख रहा है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको नहीं पड़ेंगे, आपको फ़ोन में करना है तो आप सिर्फ मैन सर्च करेंगे, या मैन सर्च के आपको एक आदमी कार्ड चाहिए आप क्लिक करेंगे ठीक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैन का जाएगा, यहाँ पर ये सब बॉडी है ये सब नहीं होगा ठीक। यहाँ पर जिस पर ये डाउनलोड का आइकन दिखाई देगा वही डाउनलोड हो सकता है, फिर यहाँ पर देखो ये सब नहीं होगा डाउनलोड, ये डाउनलोड हो सकता है लेकिन यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ठीक, इसे डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर देखेंगे हम लोग, इसे थोड़ा रिलोड होने दीजिए, देखते हैं ये हमारा 3D लाइक है कि नहीं, इसे रिलोड होने दीजिए हल्का सा, फिर देख सकते हैं ये थोड़ा सा बेहतरीन दिख रहा है लेकिन कार्टून टाइप में नहीं चलेगा ठीक। यहाँ पर डाउनलोड 3D मॉडल लिखा है, यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करेंगे ठीक। आपको सिर्फ मोबाइल में करना है तो FBX वाला ही डाउनलोड करना होगा ठीक, यही डाउनलोड करके ही आप ले जा सकते हैं, बाकी सब ये सब लैपटॉप का है ठीक, ये सब PC वर्जन है, इसमें आप मोबाइल में ही चलेगा, ये डाउनलोड करना है। इस पर होगा करने के बाद इसके डाउनलोड एक और आपको काम करना है जो कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर जाने के बाद ZA Archive करना है ठीक, ZA Archive यहाँ पर ऊपर ही आ गया है, ZA Archiver इसे करना है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। इसे डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना है, सटी यदि कोई भी आप
मॉडल्स डाउनलोड किए हैं। यहाँ पर इसे जेड आर्चू को खोलना है। जेड आर्चू खोलने के बाद इसे थोड़ा सा एग्री कर लेता हूँ। जेड आर्चू खोलना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो यदि मैं एक ओल्ड रस्टी कार्ड डाउनलोड किया हूँ, यहाँ पर सोच दिख रहा है, ठीक है, रस्टी रियर मतलब ये चलेगा तो ओपन नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रेट टू आर्ची नेम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर होने देना, ठीक है, इसे क्लिक हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक। अब इसे करें, यहाँ पर देखो कई प्रकार का आ गए, इस ओल्ड किसके एफ करेंगे, इसे ओपन करेंगे, ओपन करेंगे हम प्रिज में, इसे करेंगे बाद यहाँ पर फिर जाएंगे हम जब फिर प्रिज्मा स्ट्रीम चलते हैं, ऐसे कर देना, ठीक, वो आपका अर्ची हो जाएगा जो वो इसमें लायक हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो आगे इसे ओपन होने दीजिएगा, ऐसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर थ्री डी यहाँ पर इसे लाना है, तो यहाँ पर थ्री डी इम्पोर्ट का इसे ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखो मैं कई करेक्टर डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक सोर्स में डाउनलोड किया हूँ, यहाँ पर इसे किट जी आई पी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक, अभी देखो आएगा किट जी आई पी है, थोड़ी वेट लगेगा थोड़ा, वो सॉरी यार ये थोड़ा सा पूरा हट गया। एक थ्री डी इम्पोर्ट करेंगे, किट्स जी आई पी करेंगे, किट्स ओ बी जी, ओ बी जी भी हो सकता है, यदि ओ बी जी वहाँ पर दिया होगा तो ओ बी जी कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखो आ गए हैं मेरे मॉडल्स जो मैंने डाउनलोड किया। फिर यहाँ पर टेक्सचर डालना पड़ता है आपको, ठीक, टेक्सचर में क्या करेंगे, यहाँ पर मेटन जाएंगे, यहाँ पर टेक्सचर लिखा होगा, टेक्सचर पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक पर यहाँ पर फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाने के बाद इस सोर्स यहाँ पर टेक्सचर दिया होगा, टेक्सचर ही है ये, टेक्सचर आपको क्लिक कर लेना है, कोई भी दोनों टेक्सचर के लिए। यहाँ पर देख लीजिए एक बेहतरीन सा एक करेक्टर आ गया, कार्टूनी करेक्टर है, देखिए यहाँ पर है, ऐसे हम मूवमेंट भी कर सकते हैं, सभी का मूवमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ बना सकते हैं, और हम दिखा सकते हैं कई प्रकार के। अब हम थ्री डी पर और कुछ करते हैं, यहाँ पर मेरे पास कई सा करेंगे, मैंने कार भी डाउनलोड किया है, आपको दिखा सकता हूँ कार क्या, पहले एक हाँ कार ही दिखा देता हूँ आपको, इसी प्राग ऐसी है, यहाँ पर सोर्स करेंगे, यहाँ पर प्राग, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं अभी कार हो रहा है, थोड़ी सी में लोडिंग लगता है क्योंकि ये थोड़ी सा बड़ी प्रोजेक्ट है, ठीक, यहाँ कारों में थोड़ी ज़्यादा मॉडलिंग लगता है इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ी रुक जाइए, थोड़ी वेट करिए, अभी आ जाएगा शायद, ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ओ सॉरी सॉरी बहुत छोटा हो गया, ठीक, यहाँ पर साइज में बहुत छोटा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये बन गया, ठीक। यहाँ पर आप सोच रहे हैं टेक्सचर अगर नहीं, टेक्सचर नहीं आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, जिस टेक्सचर को आपको लगाना है यहाँ पर उसे क्लिक करना है, टायर का है, टायर पर मैंने क्लिक किया, फिर इस पर गया, फिर टेक्सचर पर गया, फिर यहाँ पर प्लस क्लिक किया, फिर फाइल्स में गया, फिर यहाँ पर सोर्स में टेक्सचर पर गया, फिर यहाँ पर देखेंगे टायर का कौन होगा, ठीक, यहाँ पर कार्बन दे रहा है, पीजी दिख रहा है, कैबोक दिख रहा है, डिस्क जीपीजी, यहाँ पर देखो टायर का दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ क्लिक करेंगे ये, सॉरी यार फिर यहाँ पर सही क्लिक नहीं हो गया पाया, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फिर डाउनलोड जहाँ होगा वही से क्लिक करेंगे, यहाँ पर हो गया, कहाँ गया मेरा ए सी प्रागर, ठीक, यही था टेक्सचर था, और ये कहाँ गया, यही था, ठीक, जीपीजी हो गया यार, ये कैंसिल ना हो जाए, नेट मेरा स्लो चल रहा है, सॉरी यार कैंसिल हो गया, एक बार रिस्टोर करते हैं, आप वापस वो फिर जाएगा, मेरा बाइक यहाँ पर देखो आ गया, ठीक, यहाँ पर हो गया। इसी तरह आपको एक रोड सा बनाना है, रोड बनाना है सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एक प्लेन लेंगे, वो साइज यार इतना प्लेन बड़ा हो गया, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं साइज लग रहा है मुझे, प्रागा ही छोटा बना दिया मैंने, कहा ट्रांसपोर्ट से जाइए थोड़ी स्केल थोड़ी बढ़ाइए, ठीक, इसका 10 कर लीजिए, थोड़ा सा 10 कर लीजिए सर, 10 टेकल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ छोटा दिखाई रहा है, इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, 10 इंच भी 10 कर लीजिए, सभी का एक साइज कर लीजिए, हो गया ओके। अब इसे देखिए, अब इसे थोड़ा सा रोड टाइप बनाएंगे, इसे क्या करेंगे, क्लिक करें यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लिक करें, इतना हो गया, कुछ ना करें, इस पर क्लिक करें, मैंने टेक्सचर पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर मैं अपना गैलरी में जाऊँगा, ठीक, गैलरी में जाऊँगा, फिर मैंने यहाँ पर टेक्सचर, यहाँ पर मैं टेक्सचर पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर रोड का टेक्सचर दिखाई देगा, क्लिक करेंगे, एक क्लिक करने के बाद सूर्या थोड़ा मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्लिक चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा तो वेट लगेगा, टाइम लगेगा, देर से ही लेकिन अच्छा होगा, एक बेहतरीन सा चीज़ आपको हम बना के दिखाएंगे, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी यार बार बार कट हो जा रहा है क्योंकि ये हाई प्रोजेक्ट है, तेरे मेरे मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक, जिसमें ज़्यादा मैंने लोड कर चुका हूँ ना, मेरा स्टोरेज भरा चुका है, मैंने बहुत सारे करेक्टर भी इसमें डाउनलोड कर चुका हूँ, वो सॉरी यार लोड हो रहा है, किधर गया सभी, सॉरी यार फिर छोटा हो गया, ओहो भाई इसे थोड़ा ट्रांसफर करके हल्का इसके बड़ा कर लेते हैं, 10 10 सभी कर लेते हैं, 10 इसका भी, 10 इसका भी 10 कर लेते हैं, होगा 10 साइज बड़ा हो गया,
कुछ नहीं करना है, आप फिर यहाँ पर चढ़ना है, क्यूब पर प्लेन पर सर्च करना है, सॉरी प्लेन बड़ा होगा जानते हैं, पहले निकलेगा चाहे इससे करिए, इससे हो गया ठीक। यहाँ पर आप फिर क्लिक करिए, ठीक जाइए टेक्सचर में जाइए, प्लस क्लिक करिए, यहाँ पर इसमें होगा आपका टेक्सचर डाउनलोड किए होंगे। टेक्सचर कहाँ से मिलेगा अभी मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आपको, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, टेक्सचर भी मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं टेक्सचर यहाँ पर लगाकर तभी बता रहा हूँ, दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए ये एक रोड की तरह दिखाई देने लग रहा है, ठीक है, आपको ये पूरा एक रोड की तरह दिखाई देने लगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब डाउनलोड कर लें एडमिशन करेंगे ना, तो ये आपको ये निशान ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर एक रोड की तरह, एक बेहतरीन रोड की तरह दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक अजीब सर। अब ठीक, अब यहाँ पर आपको लाइट्स लगाना होगा, मैं क्या लाइट्स लगाना है, यहाँ पर करेंगे एक सिलेंडर करेंगे, ठीक, ये बड़ा सिलेंडर है लेकिन इसे छोटा कर लेते हैं, एक सिलेंडर में आपको लाइट्स वाला करता हूँ जैसे दिया होता है लाइट्स का, इसे करेंगे हल्का और छोटा करेंगे हल्का, ये हल्का से एक राड की तरह बना लेंगे, राड करेंगे इसे एक सड़क के किनारे होता है, सड़क के किनारे लगा लेते हैं, इसे लगा लेते हैं ठीक, और इसे थोड़ा सा ऐसे रहने दो, ये तो इसे ऊपर कर लो हल्का करने के बाद इसे छोटा कर लो, तो ज़्यादा बड़ा, हाँ बाबू हो यहाँ पर हो गया ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर एक क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह आपको दिखना है तो आप क्या कुछ नहीं करेंगे, एक शायद एक स्क्वायर ले लीजिए ठीक, यहाँ पर स्क्वायर लेने बाद इसे लगा लीजिए ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा इसे छोड़ कर लीजिएगा, अभी मैं सटीक बता रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसे करेंगे, हाँ देखो बन गए ना, इसी तरह एक ऐसे करेंगे, फिर इसे इसे छोड़ करेंगे हल्का पतला थोड़ी करेंगे, ऐसे करेंगे और ये हल्का सा ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको लाइट की तरह दिख रहा होगा, ऐसे एक लाइट होता है नीचे का, आप रोड तो गए होंगे तो कहीं हाईवे पे, तो यहाँ पर ऐसी तरह इस तरह लाइट दिखेंगे ठीक, और इस तरह होगा, आप ऐसे कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको मॉडलिंग जाना है ठीक, मॉडलिंग जा कुछ नहीं है, ऐसे ऊपर ले जाना है, इसे ऊपर करना, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर तो डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक ऐसे हल्का सा डबल क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करके फिर यहाँ पर कैसे कट कर देंगे, फिर इसे क्लिक करेंगे थोड़ी से नीचे वाला पोर्शन हम लोग को हटाना है ठीक, यहाँ पर फिर क्लिक कर देंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे डिलीट करते जाएंगे, हाँ ऐसे डबल क्लिक करेंगे, ऐसे डिलीट करते जाएंगे ठीक, ऐसे हमेशा डिलीट करना होगा आपको, ये के पीसी नहीं है कि आप ऐसे सभी का सेट कर सकते हैं, ऐसे हल्का 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 आपको सभी डिलीट कर देना है, ऐसे धीरे 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 आप इससे कर देते हैं। इससे और इस एनिमेशन एक ऐसा रास्ता है कि ऐसे बेहतरीन आप पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो चढ़ा सकते हैं, यदि आपकी स्टोरी आपको आती है, आपको इसमें आपको पहली बार इसमें स्टोरी आनी चाहिए, आपकी एक वॉइस, आप तो वॉइस तो कर सकते हैं, कई कार्टूनी ऐप्स होंगे जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, इससे आप कर सकते हैं, तो आप काइंड मास्टर भी कर सकते हैं, काइंड मास्टर पर आप कई प्रकार की कार्टूनी आवाज़ भी निकाल सकते हैं, इसमें कार्टूनी भी होता है ठीक, तो वो भी सही है, ये ठीक होगा, इससे जो खुद होता है इसमें कोई कॉपीराइट का दिक्कत नहीं होता है, खुद से बनाए होते हैं एडमिशन, और इस ऐप से भी कोई कॉपीराइट नहीं आता, कुछ ऐप्स होते हैं यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से कॉपीराइट आ जाता है कभी कभार, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कॉपीराइट नहीं आएगा, यहाँ से हल्का सा पूरा डिलीट कर लेते हैं अच्छे से, सॉरी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर, इसे भी इसे इसे भी इसे भी हल्का से डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इधर डिलीट स्क्रीन करेंगे, यहाँ पर होगा एक दिख रहा है ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक लाइट लगाना कुछ, यहाँ बल लीजिए एक ऐसे लीजिए, फिर लाइट किधर गया, देखो लाइट क्लिक कर यहाँ पर लाइट वाला इसे ऊपर लीजिए हल्का, उसी के अंदर हल्का से ये लाइट को एब्जॉर्व कर लीजिएगा, ये यहाँ पर देखो ऐसे ना, हाँ देखो ये हल्का सा इस पर ऐसे के लिए जो लाइट पर से लाइट क्लिक करेंगे हल्का सा लाइट वाला, यही पे क्लिक हो गया ना, यहाँ देखिए कुछ दिखाई दे रहा है भाई, अब ये सीधी कुछ ना ऐसे करिए, अब देखिए नीचे की तरफ देखो रेंज बढ़ा देते, रेंज तो बढ़ा हुआ है यहाँ पर देखिए, इस रेंज बढ़ा के लाइट हो गया यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर साफ दिखाई, जब एनिमेशन करेंगे तो लाइट आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी चलता होता है इसमें लाइट नहीं दिखाई देता, यहाँ पर देखिए लाइट उजार हो गया ना, लाइट हो गया ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा लाइट दिखाई दे रहा है, इस पर थोड़ा सा इस पर भी शैडो बन के भी आ रहा होगा, देखो यहाँ पर जब हम इसे थोड़ी सा आगे ले जाते हैं, इसे परागा को हल्का सा आगे ले, देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी शैडो बन तैयार हो गया, देखिए इतना बेहतरीन दिखाई दे रहा है, लाइट पड़ रहा है जैसे कि एक एक अजीब मतलब अच्छा दिख रहा है ठीक। यहाँ पर इसे इसी एक में कर लीजिए, दोनों एक में कर लीजिए, आप कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पर एक ऐसे करिए डबल क्लिक करिए, यहाँ पर एक कॉपी कर लीजिएगा ठीक, कॉपी करने के बाद इसे थोड़ी और आगे इधर
इसे करेंगे, एक और बना लीजिएगा इधर कर लीजिएगा, फिर ऐसे इधर ऐसे करिए कॉपी करिएगा, कॉपी करने में एक और बना लीजिएगा ऐसे, फिर ऐसे करेंगे फिर तो कॉपी करिएगा, फिर एक और बना लीजिएगा ऐसे बनाकर ऐसे रोड की आगे सभी तरफ बना सकते हैं, या फिर एक लाइट साथ जोड़ सकते हैं ऐसे पूरे तरह, आप लाइट भी जोड़ सकते हैं ठीक। अब मैं कह रहा था आपका टेक्सचर डाउनलोड कर, ठीक टेक्सचर में डाउनलोड करने के लिए आप ऐसे करिए इसे, हाँ ले के लिए है टेक्सचर डाउनलोड करने के लिए आपको सेव कर लेना, सेव करने पर क्लिक करना है, सीधे भी कुछ गूगल पर जाना है, गूगल ठीक है गूगल जाना है आपको, टेक्सचर सर्च करना है, टेक्सचर ठीक टेक्सचर सर्च करना है, टेक्सचर आप सर्च करने के बाद आपको टेक्सचर कहीं आ जाएंगे, ये टेक्सचर बना दे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर टेक्सचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे विजुअल से फ्री टेक्सचर इमेज, यहाँ पर जाइए फ्री पिक पर होता है यहाँ पर, अच्छा होता है यहाँ पर फ्री का होता है, यहाँ पर फ्री सा डाउनलोड कर देते हैं टेक्सचर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी लोड हो रहा है, मेरा नेट स्लो चल रहा है, फिर यहाँ पर कई प्रकार के आपको टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं ठीक। यहाँ पर देखिए सब अर्थ का, यहाँ मतलब एक फ्लोर का, यहाँ मतलब एक नीचे का जमीन का टेक्सचर दिखा रहे हैं, हम मान लीजिए एक स्काई का मंगाते हैं ठीक, स्काई टेक्सचर यहाँ पर सर्च करिए स्काई, स्काई स्काई का जगह देखिए स्काई का ठीक, यहाँ स्काई सभी का आसमान करके ठीक, स्काई का यहाँ पर आप लगा कर स्काई टेक्सचर बना सकते हैं, फिर एक और दे सकते हैं स्काई का, फिर आप पर देखिए टेक्सचर हो गया, आप एक क्या करते हैं ग्रीन मतलब एक क्या कहते हैं ग्रास का कर लेते हैं, ग्रास ग्रास का टेक्सचर आ जाएगा, ग्रास से ग्रीन करेंगे भाई सर्टिफिकेट ग्रास का टेक्सचर आ रहा है, हर एक नहीं आप ग्रीन आप कर सकते हैं, कोई ग्रास बनाकर हल्का सा टेक्सचर डाल सकते हैं, आप इसमें आप एक घर का टेक्सचर डाल सकते हैं, हाउस है ना हाउस कोई बना रहे हाउस का टेक्सचर डाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए हाउस का टेक्सचर आ गया ना, यहीं पर कुछ बनाना है छोड़िए सब टेक्सचर के आ रहे हैं, देखिए यार टेक्सचर सभी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ टेक्सचर बनाने के लिए आप इस तरह देख कर इसे बना सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट का ऑप्शन नहीं आएगा आप पर ठीक। और इसमें और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रिज्म थ्री जाइए ठीक, इसमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़्यादा ना लेना पड़े तो या कुछ करना करना नहीं है, इससे यहाँ पर जाएंगे जो आप यहाँ पर बनाए यहाँ पर करें, यहाँ से होने दीजिए थोड़ी लोडिंग होने दीजिए, एक बेहतरीन आपको यदि स्काई इसमें ऐड करना हो कैसे ऐड करेंगे ठीक, स्काई इसमें स्काई ऐड करने के लिए आप कुछ नहीं करना हो, सिर्फ इसमें स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जाएंगे यहाँ पर थोड़ी से स्केल को बढ़ा लेंगे, इसे 100 कर लेते हैं ठीक, 100 या 1000 कर लीजिए जो भी, यानी 100 ठीक रहेगा ठीक, 1000 ज़्यादा बड़ा 100 कर लीजिएगा, 100 100 इसे भी 100 कर लीजिएगा ठीक, एक 100 100 ऐसे क्लिक, इसके अंदर ये अंदर का ठीक, यहाँ पर सेंड करेंगे फिर इसमें टेक्सचर में जाएंगे, टेक्सचर आप स्काई के कोई टेक्सचर डाउनलोड कर लीजिएगा पहले से ही, फिर यहाँ पर देखिए मैंने स्काई का टेक्सचर डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पर लाएंगे जैसे कि मैं लगा दिए, सॉरी यार फिर वही प्रॉब्लम ना पहले वाला यार, डाटा स्लो चलने की वजह से यही सब हो रहा है, रुको डाटा मैं बंद कर देता हूँ ऑफ करता हूँ, इसे करेंगे फिर यहाँ पर हो जाएगा शायद, हट गया होगा सर का, फिर से करना पड़ेगा मुझे, हो गया यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर करना है स्क्वायर कुछ ट्रांसफॉर्म से जाएंगे यहाँ पर, फिर इसे 100 100 कर लेना है, 100 100 करना है, फिर इसे भी 100 कर लेना, इसे 100 कर लेना और इसे भी 100 कर लेना, जेड को भी जेड करना मतलब ऊपर का भाग होगा वो 100 होगा, ऐसे करना फिर यहाँ पर करेंगे ओके कर लेंगे, इसको फिर इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जाएंगे टेक्सचर पे जाएंगे, फिर प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाएंगे यहाँ पर फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स क्लिक करने बाद ऐसे क्लिक फिंगरप्रिंट लगा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर रुकिए टेक्सचर मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ कहीं, यहाँ पर चलिए मत ये ठीक चलेगा, ये वाला साल ओ सॉरी यार फिर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये दूसरा टेक्सचर शायद, ये टेक्सचर नहीं है, मैंने बस लगता है टेक्सचर नहीं है ठीक, ये नहीं नीचे थोड़ा जाते हैं, टेक्सचर मैंने यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया, थोड़ा यहाँ पर देखिए टेक्सचर है यहाँ पर, मैं डाउनलोड किया अर्थ का टेक्सचर, थोड़ी जाओ नीचे ले जाता है, स्क्रोल करता हूँ मैं, हाँ थोड़ा सा टेक्सचर कहाँ डाउनलोड करके रखा हूँ मैं यार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब आ जाएगा ठीक, सो यार क्या हो रहा है बार बार प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों होता है भाई, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, रुको यार पर टेक्सचर लगा लेते हैं तभी करते हैं ना टेक्सचर पहले, नहीं तो इसी कलर में जाते हैं यार, इसी कर लेते हैं यार ठीक है, इसे करेंगे ना हल्का सा, नहीं टेक्सचर ही लगाना ठीक रहेगा, टेक्सचर ही लगाना ठीक रहेगा भाई, इससे तुम लोग कहोगे यार वैसे ही बता दिया गलत बता रहे हैं हम लोग, आ जा भाई आगे कि नहीं, रुको इसे कलर थोड़ी सा कलर थोड़ी इसे मीडियम करो, टेक्सचर नहीं लाया लगा भाई,
रुको यहीं से, हाँ यहीं से ले जाओ यार, फिर यहाँ पर गैलरी में ले जाओ, बहुत दिक्कत हो रहा है भाई, आ नहीं रहा है यार पता क्यों। रुको भाई, बस 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 थोड़ा सा वेट करना होगा भाई, सब्र कर लो, कुछ सीखने के लिए सब्र का फल मीठा होता है, ठीक सब्र कर लो। थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है लेकिन भाई देखो यहाँ पर आप कर सकते हैं अच्छे से, मैं आप प्रयास करेंगे ऐसे। कुछ भी यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका डाउट को निकाल दूंगा, ठीक। कुछ भी डाउट हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा, आपका बॉन्डिंग नहीं बन रहा या तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो ठीक कर देना, ठीक। यहाँ पर फिर हो गया, देखो टेक्सचर आ गया, रिफ्लेक्शन छोड़िए रिफ्लेक्शन का, फिर यहाँ पर आपको क्या कहा था मैंने, ऐसे करिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसे 100 कर लीजिएगा। अभी देखो एक बात बेहतरीन सा दिखाई देगा, बेहतरीन भी आपको दिख नहीं रहा अच्छा, लेकिन अभी रुकिए, अभी तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, 1 सेकेंड बस रुकिए बस। अब अंदर देखिए, यहाँ पर एक स्काई आपका ऐड हो गया, देखिए यहाँ पर एक घर, ये पूरी स्काई ऐड हो गया, ठीक। ये यहाँ एक स्काई ऊपर थोड़ी ले जाइए, यहाँ पर देखिए एक स्काई ऐड हो गया, यहाँ पर देखिए नीचे का थोड़ा सा, और फर्श का थोड़ी कर लेते हैं, आप प्लेन लेते हैं ना हल्का, इसे प्लेन को थोड़ी ऐसे कर लेते हैं, हल्का बढ़ा लेते हैं, इसी से बढ़ा लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, इसे बढ़ा लेते हैं फिर ऐसे कर लेते हैं, हो गया ना इतना। अब इसे थोड़ी सी प्लेन जो है इस पर भी थोड़ी ऐड कर लेते हैं, ऐड ट्रांस करते हैं, सो टेक्सचर पे जाते हैं, टेक्सचर पे आने के बाद मैंने फर्श का भी किया हूँ, उसका भी कर लेते हैं, ठीक। मैंने फर्श का किया हूँ, रुकिए फर्श आ रहा होगा, रुकिए यहाँ पर देखिए इसका लगा लेता हूँ। अब फिर नीचे देख सकते हैं आप, देखिए ये फर्श की तरह दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हो गया ना, यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर थोड़ी सी दिख रहा होगा लेकिन कह रहा सपोर्ट नहीं कर रहा है हल्का स्माइल, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब यहाँ पर जब एडमिशन करेंगे आपका कुछ बराबर होगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं होगा, तब इसमें नहीं होगा ये एडमिशन आप करेंगे। किधर गया मेरा टेक्सचर, टेक्सचर्स किधर गया, सॉरी यार खोजने में दिक्कत हो रहा है, इसे हल्का से क्लिक कर दे, देख सकते हैं ठीक। अब हो गया यहाँ पर जो एनसर, अब यहाँ से रिकॉर्ड जब करेंगे ना बनाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा एक लुक दिखाई दे रहा है, इस तरह आप बना सकते हैं एक बेहतरीन सा। तो ये सब जानने सब में करने के लिए मेरे वीडियो को चैनल चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बता सकता हूँ। फिर इसे सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रेंडर पर जाना, यहाँ पर रिमूव आटोमेटिक करना है, फिर रेंडर पर क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक ओके बाय।